Hey everyone, welcome back to my channel Deepa's Corner, and wish you a very 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 happy new year to all of you. And ये जो भीड़ देख रहे हो ये है राजीव चौक की भीड़. ऐसा लग रहा था दिल्ली में सब लोग कनॉट प्लेस ही घूमने चले आए हैं न्यू ईयर में. कनॉट प्लेस में जब मैं बाहर निकली मेट्रो से राजीव चौक से, सो यहाँ पर बहुत अच्छे फ्लावर्स बिक रहे थे, बुके बिक रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर. और जहाँ पर ये लोग फ्लावर्स बेच रहे थे मैं वहीं पर बैठी हुई थी, तो एक लड़की आई और बोल रही है फ्लावर्स ले लो, फूल ले लो. तो मैंने पूछा इससे कि फूल का क्या करूँगी मैं इतने सारे फूल लेकर, तो कह रही है ले लो हमको पैसे मिल जाएंगे. तो मैंने पूछा पैसे का क्या करोगी, तो हम भी न्यू ईयर मनाएंगे. मैंने कहा कैसे, तो बोल रही है कि आप ले लो हम घर जाएंगे और अच्छे से न्यू ईयर मनाएंगे. मैंने कहा क्या करोगी न्यू ईयर में. सो ऐसे ही बातचीत करती रही बहुत देर तक, और मुझसे बार बार कह रही है कि फोन मेरा फूल ले लो, फूल ले लो. मैंने पूछा तुम लोग न्यू ईयर क्यों नहीं मना रहे हो, तो बोल रही है कि हम मेरे पास पैसे नहीं है और हमें पैसे मिल जाएंगे तब हम न्यू ईयर मनाएंगे, तो हम लोग गरीब हैं. ऐसे बातचीत करती रही. और काफ़ी मतलब इन बच्चों को देखकर लगता है कि हाँ देखो सब लोग तो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट क्या ऐसी ज़िंदगी भी है. कभी कभी खुद को देखो तो हाँ लगता है कि हम तो इनसे तो बेटर हैं, कितना अच्छा रहा. और मुझसे बार बार बोल रही फूल ले लो ले लो. और फिर कह रही है कि ठीक है अच्छा तुम सारे फूल ऐसे ही ले लो, हमें पैसे मत देना. इतने इतना बड़ा दिल था इसका कि मुझे फ्री में फूल दे रही. तो मैंने इससे पूछा कि क्या चाहिए, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें न्यू ईयर में क्या चाहिए और तुम्हें अगर पैसे मिल जाएंगे तो तुम क्या करोगी. तो देखते हैं आगे ये बच्चे देखिए क्या बोल रहे हैं. अब मुझे ये लोग बर्गर की शॉप पर लेके जा रहे हैं. इनके साथ पता ही नहीं चला कि कब मेरा टाइम पास हो गया. न्यू ईयर में तो मैकडी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और उन बच्चों को अंदर बैठ करके खाना था, बट नहीं हो पाया. अंदर बैठ के तो खाना नहीं हो पाया, बट ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था. हम भी न्यू ईयर मनाएंगे, हम भी बर्गर खाएंगे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. तो मेरा तो न्यू ईयर बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ इन लोगों के साथ में, और काफ़ी खुश थे ये लोग भी. यहाँ पर सबको मैंने बर्गर दिया एंड इनके साथ मैंने भी खाया, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. घर में अकेले अकेले से अच्छा था कि इनके साथ मैंने न्यू ईयर मनाया. एंड मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, स्पेशली अपने छोटे भाई को और अपनी फ्रेंड तृप्ति को, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ इतने सालों में कि कभी ये लोग मेरे साथ किसी भी ओकेज़न में नहीं
नहीं रहे हूँ और आई रियली मिस हिम। सो मैं घर में बड़े बड़े बोर हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैं अकेली ही एक कनॉट प्लेस घूमने चली आई। और मुझे नहीं पता था कि मेरा कनॉट प्लेस में इतना अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट होगा इन बच्चों के साथ में, और बहुत खुश थे ये बर्गर खा कर, सिर्फ बर्गर में ही इतना ज़्यादा खुश हो गए ये लोग। और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट भी थी इनकी कि दीदी मुझे ये लेके देना, मुझे ये लेके देना। पता नहीं नेक्स्ट टाइम इनसे कब मिलूँगी, बट आई रियली लाइक दिस कि मैंने ऐसे नियर सेलिब्रेट किया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और इन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि अंदर बैठ के खाएंगे, बट नहीं हो पाया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और आज तो सीपी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एंड आई रियली मिस यू तृप्ति, नव्या, छोटू एंड माय ब्रदर्स आल्सो। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए, और मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं इसको पेंसिल रबर कटर ला करके दूँगी, बट हमेशा तो नहीं आ सकती। चलिए यहीं से ब्लॉग वीडियो एंड करते हैं एंड विश अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर टू अदर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।